इस घटना को लेकर के कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम तथा अफवाह फैलाने वाली टिप्पणी की जा रही थी। दोनों कांडों में फिलहाल तीन तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तीन लोग घायल हो गए। और सोशल मीडिया पर अब जो भी इस तरह की अनावश्यक या उद्वेलित करने वाली टिप्पणी या सामाजिक रूप से किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, जरूरत होगी तो इस कांड में आगे हम लोग ठीक गिरफ्तारी भी करेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। छपरा में हुए बवाल के बाद अब बिहार पुलिस मुख्यालय और पूरा बिहार पुलिस महकमा साथ ही साथ छपरा जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। आपको बताएं कि छपरा में 2 फरवरी की देर रात कह लीजिए कि एक बड़ा बवाल हुआ जिसमें मुखिया पति समेत कई लोगों की पिटाई हुई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद 2 गुटों में झड़प हुई और झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जो अभी छपरा में इलाजरत। इस मामले पर कई पुलिस वालों पर भी हमला किया गया, मगर अब बिहार पुलिस एक्शन में है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार इस मामले पर साफ साफ उन लोगों को चेताते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग सोशल मीडिया पर जात पात करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों पर भ्रम फैलाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, तो एक्शन मोड में बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG JS गंगवार उन लोगों पर चेतावनी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। दो फरवरी को करीब शाम 4:30 बजे के आसपास मुबारकपुर गांव में माची थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी जिसमें विजय राय और उसके ग्रामीण जो थे उसमें आपस में झगड़ा हुआ, भागने लगे लोग और उसमें अमितेश कुमार सिंह को पकड़ के पीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई और राहुल कुमार सिंह और विक्की कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह ये सभी जख्मी हो गए, इनका इलाज चल रहा। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया, इसमें हमने मर्डर की धारा लगाई, बाकी अन्य सारी गंभीर धाराओं में कांड दर्ज किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्तों को हमने और 50 अन्य के विरुद्ध कांड दर्ज किया। इसमें अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 को न्यायिक अवरक्षा में भेजा जा रहा है, अन्य के विरुद्ध छापामारी की जा रही है, फरार अभियुक्तों की कुर करने की तैयारी की जा रही है। इसके घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कहें या कुछ दिनों बाद 3 दिनों के बाद गांव के बाकी उपद्रवियों द्वारा अभियुक्त पक्ष जो विजय यादव का पक्ष है उसके घर पे पहुंचकर तोड़फोड़ की घटना, दलान में रखा ट्रक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना, इसमें भी पुलिसकर्मी ने वहाँ पर बचाने का प्रयास किया, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इसमें भी हमने कांड दर्ज कर लिया और इसमें भी 3 उपद्रवियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर के कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम तथा अफवाह फैलाने वाली टिप्पणी की जा रही थी, इसको देखते हुए नगर थाना में एक कांड दर्ज किया गया है जो 108/23। तो इस प्रकार से पूरे प्रकरण में 3 कांड दर्ज कर दिए गए हैं। निष्पक्ष जांच हेतु वर्तमान थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक देवानंद को निलंबित किया गया है। घटना स्थल पर पूर्व से प्रतिनियुक्त कई पदाधिकारी पुलिसकर्मियों के अलावा और अतिरिक्त बल भेजा गया है। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले का, पूरे घटना का, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का और जो आपराधिक 3 मामले दर्ज हुए हैं उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में बताई गई है और स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि इन कांडों में जो भी बाकी अभियुक्त का नाम सामने आएगा हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों कांडों में फिलहाल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। वो ऐसा लगता है कि वहाँ अपराधकर्मी कुछ हथियार लेकर के गए थे उनके फार्म हाउस में, अभी तक जो बात पता चल रही है, और वहाँ पर उनको रजिस्ट किया गया, क्या अभी अनुसंधान में आगे निकल के आएगा हम आपको बताएंगे, और उसी के रिएक्शन में उनको भगाने के उद्देश्य से या उनको मारने के उद्देश्य से उनको पीटा गया और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 3 लोग घायल हो गए। तो ये घटना आत्मरक्षा में नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये तो जानबूझ के पीटा गया, एक आदमी मारा गया, तो उसके बाद हम लोगों ने मर्डर का कांड दर्ज किया। 2-3 दिनों के बाद जो रिएक्शन में हुआ ये भी आपराधिक और एक तरह से कहना चाहिए साजिश के तहत किया गया कि 3 दिन बाद फिर अभियुक्त पक्ष के यहाँ जो है आगजनी और तोड़फोड़ और बाकी कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार से दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीर एक्शन लिया है, 3-3 लोग गिरफ्तार हो गए, स्थिति शांतिपूर्ण है
और सोशल मीडिया पर अब जो भी इस तरह की अनावश्यक या उद्वेलित करने वाली टिप्पणी या सामाजिक रूप से किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, आप चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इस प्रकार की घटना हो तो जो फैक्ट हैं, हम लोगों ने फैक्ट सामने रख दिए हैं, सारी बातें सामने रख दी हैं, तो मामले में अगर कोई फर्दर इस तरह की पोस्ट करेगा जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है, या एक जाति से दूसरे जाति के विरुद्ध, या एक धर्म से दूसरे धर्म के विरुद्ध, या एक वर्ग से दूसरे वर्ग के विरुद्ध इस तरह की कोई भी टिप्पणी होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हमने इसमें कांड दर्ज किया और उन सभी सोशल मीडिया और जो भी पोस्ट हुई हैं उसके बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। जरूरत होगी तो इस कांड में आगे हम लोग ठीक गिरफ्तारी भी करेंगे। तो आपने सुना जेएस गंगवार को, जिन्होंने बताया कि कुल 50 लोगों पर जो है नामजद भी किया गया है, साथ ही 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, 5 अभियुक्तों पर जो है उनकी भी नामजद हुई है और उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। अब जो न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में बिहार पुलिस कर रही है, वहीं अब देखना है कि इस मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ साफ कह दिया है कि सोशल मीडिया पर अगर आप जात पात या फिर लोगों में भ्रम फैलाते हैं तो बिहार पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, लालघर के भीतर आपको भेज दिया जाएगा। तो अब देखना है कि इस मामले पर आ गया और क्या कुछ एक्शन होता है। इस खबर में सताई, अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।